नमस्कार, इंटरटैप न्यूज में आपका स्वागत है। बलिया 13 नवंबर को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी का आगमन। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां आज दिनांक 7 नवंबर 2021 को कपूरी फेफना स्थित होटल बलियांस में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बलिया के द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रगतिशील पार्टी के श्री नीरज सिंह गुड्डू प्रदेश महासचिव ने बताया कि आगामी 13 नवंबर को हमारे नेता एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव का आगमन बलिया जिले में होगा और हम सभी को अन्य जिलों से बेहतर तरीके से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत करना है। साथ ही उन्होंने वर्तमान सरकार पर महंगाई को लेकर तंज भी कसा। अंत में उन्होंने बताया कि 13 नवंबर को ही फेफना विधानसभा एवं अन्य विधानसभा के प्रत्याशियों का ऐलान भी किया जाएगा। अंत में कार्यक्रम के आयोजनकर्ता सतीश चौधरी उर्फ नागा चौधरी ने सभी कार्यकर्ताओं को आगामी 13 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक जनसंख्या बल को जुटाने का आग्रह करते हुए धन्यवाद भी दिया। आप सभी सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ नेताओं के पक्ष में आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे छोटे से निवेदन पर आप सभी लोग अपना बहुमूल्य समय देने का काम किया है। अपने खास आज के मेहमान माननीय नीरज सिंह गुड्डू जी, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष राहुल चौबे जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की आवश्यक बैठक में उनका दिशा निर्देश और मार्गदर्शन चाहता हूँ। हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का आगमन 13 नवंबर को फेफड़ा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत करना है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि बलिया में जो स्वागत होगा अन्य जनपदों से बेहतर होगा। मजे की बात यह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव के आगमन को लेकर जहां हमारी जोरदार तैयारियां चल रही हैं, वहीं विरोधियों की नींद हराम हो गई है। आपके कार्यक्रम को सफल नहीं होने देना चाहते हैं, बौखला गए हैं, परेशान हैं। हमें हिम्मत से काम लेना है और अपने नेता के स्वागत में जोरदार तरीके से स्वागत करना है। मैं आप सभी का आभारी हूँ। मेरे संबोधन में किसी भी साथी का नाम छूट गया है तो मुझे क्षमा करेंगे और अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। हमारे लिए तो जिला अध्यक्ष रहेंगे भाई संतोष जी, जो छात्र सभा कह लो, छात्र सभा के अध्यक्ष, टीचर सभा के अध्यक्ष भाई संतोष जी हमारे सामने गाजियन बैठे हैं। मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, रेंदी के गहराई और आपको भी धन्यवाद। और यहाँ पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अमित बाबा और बाबा दोनों आदमी के भी प्रणाम करते हैं। आज यहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो रील होते हैं, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। तैयारी निश्चित तौर पर पश्चिम में भी हम लोग घूमे हैं और बेहतरीन कार्यक्रम जहाँ परिवर्तन रथ गया है वहाँ लाजवाब कार्यक्रम होगा। लेकिन उस लाजवाब में भी जिम्मेदारी हम लोग को इसलिए बढ़ जाती है कि मैं बस लोगों के साथ चलूँगा। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।